नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ रूबी नेगी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बीच हमारे संवाददाता हर पंचायत में जाकर पंचायत के विकास का जायजा ले रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अंबुज कुमार के पास और देखते हैं इस पंचायत का हाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अंबुज कुमार और अभी हम है कोपरिया पंचायत में, जो सलखुआ प्रखंड में पड़ता है और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार जी हमारे साथ है, तो इनसे आज बहुत सारे मुद्दों पे बात होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर। चुनाव आ रहा है, चुनावी मैदान में आप आ रहे हैं, तो ऐसे में फिर क्या मुद्दा होगा आपका वोट मांगने के लिए, या जनता के बीच जाइएगा, या आपकी कोई परेशानी है सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके इस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो आप लोग हमारा साक्षात्कार लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम कोई बड़ी हस्ती नहीं हैं, हम एक सेवक के रूप में अपने पंचायत का अभी 4.5 सालों से सेवा कर रहे हैं और सभी लोगों को खुश तो नहीं कर पाए हैं, और चुनाव मैदान में हम अपने विकास के कार्यों को लेकर के उतरेंगे। जो हम लोगों ने जो सेवा किए हैं जनता का, हम लोगों ने इस पंचायत में सबसे पहले जो काम शुरू किया है, जो 7 निश्चय हो या 14वीं वित्त हो या 5वीं वित्त हो या मनरेगा, सभी योजनाओं में हम लोग पारदर्शिता को देखते हुए और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग सरजमीन पर काम किए। और प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो लोग सही में गरीब हैं उन लोगों को हम लोग को चुन करके उन लोगों को आवास दिलवाए हैं, और कहीं से एक पैसा का कहीं से हम लोगों ने पब्लिक का लगने नहीं दिया। जो पहले घूस लिया जाता था हमारे पंचायत में किसी भी काम पब्लिकली, आप पूछ सकते हैं कि एक भी पैसा नहीं लगा है। या वृद्धा पेंशन हो, हम लोगों ने 600 वृद्धा पेंशन और मुख्यमंत्री पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन बनवाया है। राशन कार्ड का मुद्दा हो, उसमें भी हम लोगों ने राशन कार्ड जिन लोगों का नहीं था सरकार ने चलाया, तो राशन कार्ड भी बनवाए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे 2021 में। सर, क्या कार्य होना चाहिए एक मुखिया जी का, क्या कार्य होना चाहिए अपने पंचायत के लिए? देखिए, मुखिया वैसे उनको बहुत सारी पावर हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव हुआ है इन 4.5 सालों में, हमको लगता है कि सरकार को कुछ और पावर देना चाहिए। जो ग्राम सभा है और जो विधानसभा है, लोकसभा है, तो जो जिस तरह से वृक्ष का जड़ जो है, एक जड़ जो अगर मजबूत रहेगा तभी वृक्ष जा करके फैलेगा, इसी तरह ग्राम सभा को बहुत सारी पावर मिलनी चाहिए और मिली हुई है। इसमें से कुछ एक पावर जो है मिलनी चाहिए मेरे अनुसार, जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं उनको राशन कार्ड नहीं है, और बेचारे वो घर दिखाते हैं कि बोलते हैं कि मुखिया जी एक बार मेरे घर की तरफ देख लीजिए, तो हम लोग देखते हैं तो आँख में आंसू आ जाता है, तो लगता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए, और कोशिश करते हैं कि करें, लेकिन हम लोग का हाथ बंधा हुआ है। तो ग्राम सभा को ऐसा अगर पावर सरकार दे जिससे कि हम लोग ग्राम सभा में उन लोगों को लेते हुए कि ये लोग सही में वाजिब हैं, उन पर सरकार विचार करे, ऐसा एक पावर जरूर मिलना चाहिए ग्राम सभा को। ग्राम सभा अनुमोदन करे, और उन लोगों को राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड बन जाना चाहिए। वो लोग अगर ज़्यादा वृद्ध हैं, उनका आधार कार्ड में उम्र कम है, तो वैसे लोग का अगर ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन किया जाए तो वैसे लोग का उम्र आधार में सुधार हो जाए। वैसे लोग जिनका इंदिरा आवास घर टूटा हुआ है और बहुत ही गरीब लोग हैं, तो वैसे लोग अगर ग्राम सभा के द्वारा उनको अगर चयन किया जाता है, तो अविलंब उन पर विचार करते हुए सरकार जो है उन पर विचार करते हुए उनको अविलंब इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको घर मिलना चाहिए, ये सारी सुविधाएं। जी जी, तभी हम बात कर रहे थे राकेश जी से, और आपने देखा उन्होंने किस तरह से अपनी स्कीम बताई है, इन्हें सरकार को मंजूर करना चाहिए, ताकि राकेश कुमार जी का ये भी कहना है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं होनी चाहिए, और इन्होंने ये भी बताया एक मुखिया जी को किस तरह से काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन मयंक कुमार के साथ मैं हूं पुष्पा। तो देखा आपने इस पंचायत का हाल, और लगातार बिहार पंचायती चुनाव के हर खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। We'll be right back.